सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना, तो भी कहता वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहां भी मिट्टी डालो। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हों तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए, वो एक दफा आए तो सही, कोई मिट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा। तो आप फरमाते हैं मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई, माल तो दे आए थे वारसों को पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है, तू बता पीछे क्या हालात है। तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था, अब तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया,